फ्रेंड्स, जब भी हम कंप्यूटर साइंस के अंदर इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं तो इंटरनेट के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशंस आती हैं जिसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि वेब ब्राउजर और वेब सर्वर, कि वेब ब्राउजर क्या होता है और वेब सर्वर क्या होता है। आज हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज और मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत से टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं और ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए हम वेब पेज को समझते हैं कि वेब पेज क्या होता है। देखो, जब कोई इंटरनेट के अंदर हम जब भी ब्राउजिंग करते हैं, google.com, facebook.com, youtube.com, ये चीज़ें जब खोलते हैं तो जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है उसको हम बोलते हैं वेब पेज, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो जो इंटरनेट का पेज होता है उसको हम वेब पेज बोलते हैं। जब भी हम इंटरनेट के ऊपर कोई पेज पढ़ते हैं, कोई चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो हमें वेब पेज के रूप में ही डिस्प्ले होती हैं। और अगर हम बात करें कि जो वेब पेज हैं वो बनते कैसे हैं, तो इनको बनाने के लिए हम HTML, JavaScript और CSS जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं और उन्हीं की हेल्प से हम वेब पेजेस को बना सकते हैं। जब कुछ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस आपस में लिंक हो जाते हैं तो वो एक वेबसाइट बन जाती है, यानी हम वेबसाइट को डिफाइन कर सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस, कि जब भी हम कोई इंटरलेटेड वेब पेजेस को आपस में बाइंड कर देते हैं, लिंक कर देते हैं हाइपरलिंक का यूज़ करके, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे वेबसाइट। अब जितने भी हमारी वेबसाइट्स हैं या फिर वेब पेजेस हैं उनको रीड करने के लिए हमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अब कंप्यूटर में क्या होता है कि अलग अलग फाइल को ओपन करने के लिए हमें अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे म्यूजिक सुनने के लिए हम म्यूजिक प्लेयर का यूज़ करते हैं, वीडियो देखने के लिए कोई वीडियो प्लेयर का यूज़ करते हैं, फोटो एडिटिंग के लिए हम अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार वेब पेज को भी ओपन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। यानी हम बोल सकते हैं कि वेब पेज को ओपन करने के लिए कंप्यूटर के अंदर हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं, या फिर वेब ब्राउज़र है वो वेब पेज को या फिर वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमारे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा वेब ब्राउजर्स होते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, और इन्हीं ब्राउजर्स का यूज़ करके हम मोबाइल के अंदर भी हम अपनी वेबसाइट्स को या फिर वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेब सर्वर की, कि वेब सर्वर क्या होता है। देखो, जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर के अंदर तो होती नहीं है। अगर हमारे कंप्यूटर में वो वेबसाइट है तो उसके अंदर तो हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन हमें वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। जैसे youtube.com खोलते हैं हम, facebook.com खोलते हैं, google.com खोलते हैं, ये जितनी भी वेबसाइट है इनको ओपन करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब तो सीधा सा है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उनको यूज करने के लिए, उनको ओपन करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें स्टोर कहाँ पे हैं? तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं या YouTube के अंदर हमें वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियोज़ हैं वो सारी सारी कहाँ पे स्टोर होती हैं, उनको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो जिस लोकेशन के अंदर या फिर जिस कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ें स्टोर की जाती हैं उन कंप्यूटर के को हम बोलते हैं वेब सर्वर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है या फिर हमारा इंटरनेट है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर के पास रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर उस क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो वेब सर्वर होता है वो एक प्रकार से जितने भी हमारे वेब पेजेज हैं उनको स्टोर करके रखता है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट है वो सारी सारी एक सर्वर के अंदर ही स्टोर होती हैं। जब भी कोई वेबसाइट हम बनाते हैं तो उस वेबसाइट के लिए हमें एक पर्टिकुलर सर्वर परचेज करना होता है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजोन है, ऐसी वेबसाइट्स या फिर ऐसी कंपनीज के लिए उनका खुद का सर्वर होता है और वो अपनी वेबसाइट या फिर अपना जितना भी उनका ऑनलाइन कंटेंट है वो उन्हीं सर्वर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो उनको उस सर्वर के लिए पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम अपने लिए कोई सर्वर परचेज करते हैं या फिर उस सर्वर की सर्विस परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें पे करना होता है, जिससे हम अपनी वेबसाइट को उस सर्वर के अंदर स्टोर कर सकें। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम अपने वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं और वेब सर्वर के अंदर हम वही पेज स्टोर कर रखते हैं। वेब ब्राउजर एज ए क्लाइंट काम करता है और वेब सर्वर एज ए सर्वर काम करता है, जैसा कि इसके नाम में भी है वेब सर्वर। जब भी हम अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस
एड्रेस बार के अंदर कोई एड्रेस टाइप करते हैं या किसी वेबसाइट का या फिर किसी पर्टिकुलर वेब पेज का, तो वो रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास और वेब सर्वर उसी एड्रेस का जो वेब पेज है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करता है और वो पेज हमारे जो वेब ब्राउजर है उसके ऊपर डिस्प्ले होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि वेब ब्राउजर एक प्रकार से यूजर और वेब सर्वर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है और वेब ब्राउजर किसी भी यूज़र के कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है और सर्वर जरूरी नहीं कि हमारे कंप्यूटर के पास ये, वो हो सकता है हमारे सिटी के अंदर भी हो सकता है और हो सकता है वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड होता है वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इंटरनेट के द्वारा ही हमारे वेब ब्राउजर से जो HTTP रिक्वेस्ट है वो उस सर्वर के पास जाती है और उसी के द्वारा हम अपने वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम वेब ब्राउजर और वेब सर्वर को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो जो वेब सर्वर होता है वो वेब पेजेस को स्टोर करने का काम करता है और वेब ब्राउजर उन्हीं पेजेस को डिस्प्ले कराने का काम करता है और ये दोनों आपस में इंटरनेट के द्वारा जुड़े होते हैं। वेब ब्राउजर है वो HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर के पास और फिर वेब सर्वर उस एड्रेस का जो वेब पेज है या फिर कोई वेबसाइट है उसको हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफर करके उसको वेब ब्राउजर के ऊपर शो कर देता है और हम अपनी फेवरेट वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो कंटिन्यूस देखते रहने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।